मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी ब्लेजर्स ऑफ न्यू ट्रेल आर न्यू चैप्टर। इसमें 3 बायोग्राफीज दे हैव एक्सप्लेन, जगदीश चंद्र बोस की, प्रफुल्ल चंद्र राय की एंड श्रीनिवास रामानुजन की। मेन थिंग इसमें बताया कि जो हड़प्पन आर्टिशंस थे, है ना, वो एक तरह के अननोन रह गए, है ना, जबकि उनको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी। जो भी सेरेमिक वेयर के बारे में उनको नॉलेज थी वो उन्होंने बनाए काफ़ी, और क्योंकि उनको पॉटरी की काफ़ी नॉलेज थी इस कारण सेरेमिक वेयर बना पाए। उनको कुछ आइडिया था ज्योमेट्री का, दैट्स वाई दे मेड वेल प्लान्ड सिटीज़, है ना। उसके बाद आर्यंस आते हैं। आर्यंस देवर ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट, बट दे डेंट इनहेरिट द थिंग्स फ्रॉम द प्रीवियस वन। जो हड़प्पन थे उनसे उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। देवर हैविंग देयर ओन स्पेकुलेटिव रीजनिंग, उनकी खुद की रीजनिंग थी। देन आर्यभट्ट ने रोटेशन ऑफ अर्थ के बारे में बात की, एंड हाला युद्ध ही वर्कड ऑन बायनोमियल थियरम। देन चरक, सुश्रुता, है ना, दे ऑल गेव द डिटेल अबाउट इन मेडिसन एंड सर्जरी, है ना। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे सामने आई। इंडियन साइंस थी वो अनइंटरप्टेड ग्रोथ कर रही थी, इंडिया में साइंस अनइंटरप्टेड ग्रोथ कर रही थी, लेकिन बिकॉज ऑफ सम अनसेटल्ड जो पॉलिटिकल इश्यूज थे उनके कारण धीरे धीरे साइंस थी जो इंडिया में वो डिक्लाइन करने लग गई। ड्यूरिंग द मेडिवियल एज क्या हुआ, इंडिया केम इन टू कॉन्टेक्ट विद इस्लामिक एंड यूरोपियन साइंस। उस टाइम पे साइंस ने अपनी जो क्रिएटिविटी थी इंडिया में वो बिल्कुल उनकी ख़त्म हो चुकी थी। यूरोप वॉज एक्सप्लोरिंग द हेवंस द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। जो यूरोप था, जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, है ना, वो अपना जो भी डिस्कवरीज हैं वो कर रही थी। राजा सवाई जय सिंह ऑफ इंडिया, है ना, उनकी ऑब्जर्वेशन के अंडर। तो इन द 15th सेंचुरी एंड 16th सेंचुरी, ये पेज नंबर 158 पे है। इन द 15th एंड 16th सेंचुरी साइंटिफिक जो अवेकनिंग थी वो इंडिया में थ्रू दोबारा से अवेक हुई। किसके थ्रू? यूरोप के थ्रू। साइंस थी अब वो थोड़ा सा मॉडर्न सेंस में, एक उसकी एज आ रही थी, स्टार्ट हो रहा था साइंस में अवेकनिंग और यूरोप में। लेकिन इंडिया में अभी भी जो एजुकेशन थी, या वी कैन से कि जो इंडियंस थे अभी भी वो साइंस में बहुत पीछे थे, क्योंकि यूरोपियन पीपल देवर फ्रॉम द वेस्ट, देवर हैविंग गुड टेक्नोलॉजी एंड दैट्स वाई देवर फाइंडिंग मोर थिंग्स और मोर रिसोर्सेज टू वी कैन से कि इनको ढूंढने के लिए। साइंस में कुछ नई थियरम्स को ढूंढने के लिए देवर डूइंग द बेस्ट। एंड धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ अपने जो ज्योमेट्रिकल, बोटानिकल, ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वेज किए गए माइनिंग फेडरेशन के ऊपर, है ना, धीरे धीरे जब यूरोपियंस जो वेस्टर्न पीपल थे, है ना, हमें पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी ब्रिटिश की, तो उनके कारण धीरे धीरे हमारी भी डेवलपमेंट होने लगी। इस्टेब्लिश क्या क्या हुआ, रेलवेज इस्टेब्लिश हुआ, मॉडर्न मैथड ऑफ माइनिंग आ गए, डिस्कवरी ऑफ ऑयल फील्ड ऑफ आसाम एंड गोल्ड फील्ड ऑफ मैसूर, ये सब चीज़ें आईं ओनली बिकॉज ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। क्योंकि जो वेस्टर्न पीपल थे दे वर एजुकेटेड, दे मेन लैंग्वेज वॉज इंग्लिश। सो धीरे धीरे क्या है, हमारे भी इंडिया में जो एजुकेशन है इसको इंपॉर्टेंस दी और बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कॉलेजेस यहाँ पे खुले। धीरे धीरे क्या हुआ, जो फॉरेन साइंटिस्ट थे वो इंडिया आने लगे, अपनी रिसर्च करने लगे, और लेकिन इंडियंस को बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट उनकी रिसर्च में होने का के लिए अलाउड वो नहीं थे, उनको उसमें इन्वॉल्व नहीं होने दिया जाता था। इन द क्लोजिंग डिकेड इन द 19th सेंचुरी, है ना, 19th सेंचुरी का जब डिकेड क्लोज हो रहा था, ख़त्म हो रहा था, उस वक्त 3 नाम उभरे इंडिया में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में। फिजिक्स में कौन था, जगदीश चंद्र बोस, केमिस्ट्री में प्रफुल्ल चंद्र राय, एंड देन मैथमेटिक्स में कौन था, श्रीनिवास रामानुजन। जगदीश चंद्र बोस का बर्थ 1858 में हुआ, एक छोटे से स्मॉल विलेज में ढाका में, और ईस्ट बंगाल में नाव जो कि बांग्लादेश में जगह है। उन्होंने अपनी जो स्टडी थी बहुत ही ऑर्डिनरी स्कूल में की, तो उनको रूरल चिल्ड्रन के साथ मिक्सअप होने का भी मौका मिला। देन उन्होंने अपनी जो फर्दर स्टडीज़ थी वो सेंट जेवियर कॉलेज कैलकटा से कंप्लीट की, है ना। सिविल सर्विसेज लाइक ऑल, जैसे कि सारे ही एम्बिशियस थे उस टाइम पे सिविल सर्विसेज में जाने के लिए, तो जो जगदीश चंद्र बोस थे ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे उसमें, लेकिन जो भगवान चंद्र थे उनके फादर थे उन्होंने उनको थोड़ा सा इस चीज़ से परे किया, कि बिकॉज उसके फादर नहीं चाहते थे, है ना। धीरे धीरे क्या हुआ, इन कैम्ब्रिज ही केम इन टू कॉन्टेक्ट विद रनाउंड साइंटिस्ट लॉर्ड रेले। लॉर्ड रेले के कॉन्टेक्ट में आए जे सी बोस, है ना। आफ्टर हिज ट्राइपोज, ट्राइपोज क्या होता है, बी ए फाइनल के बाद, बी एस सी फाइनल के बाद, रिटर्न टू इंडिया इन 1884 में वापस आए। उसके बाद लॉर्ड
रिपन है ना, और बहुत सारे पर्सन है जिनके वो कॉन्टेक्ट में आए। 159 पेज के एंड में देखिए, इन 1887 जगदीश मैरिड अबला दास, अ स्टूडेंट ऑफ द मद्रास मेडिकल कॉलेज। अबला वॉज गुड कंपेनियन क्योंकि वो अपने हस्बैंड की हर प्रॉब्लम को, उसके अप एंड डाउन्स में हर जगह उसने साथ दी और उसकी हर प्रॉब्लम को वो समझती भी थी। इवन जेसी बोस को गैलीलियो ऑफ अवर कंट्री भी कहा गया है क्योंकि इन्हीं के कारण इन्होंने अपना न्यू एपरेटस इन्वेस्टिगेशन के लिए बनाने की कोशिश की, एक्सपेरिमेंट्स फैसिलिटीज़ को लेके आने की कोशिश की। मतलब ही डिड वंडर फॉर इंडियंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, साइंस के फील्ड में इन्होंने बहुत कुछ करने की कोशिश की। 160 पेज के एंड में देखिए, मीनवाइल जो अदर यूरोपियन साइंटिस्ट थे है ना, वो भी उससे पहले क्या है, वायरलेस ट्रांसमिशन पे जेसी बोस भी काम कर रहे थे कि बिना वायर्स के भी सिग्नल सेंड किया जाता है। एंड ऑन द अदर हैंड जो वेस्टर्न कंट्री में जीएम मार्कोनी थे है ना, वो भी सेम जो एक्सपेरिमेंट था उसी पे काम कर रहे थे। देन फिजिक्स से उनका धीरे धीरे जो इंटरेस्ट था बायोलॉजी में चला गया, उन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए है ना, और जो भी फिजिकल उन्होंने एक लाइन, एक कंक्लूजन निकाला बिटवीन द फिजिकल एंड द फिजियोलॉजिकल, जो डिफरेंस बता रखा है कि बहुत बड़ा है लेकिन वो बहुत ज़्यादा थिन है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। धीरे धीरे जेसी बोस ने व्हाट ही डिड, उसका इंटरेस्ट था जो उन्होंने प्लांट को के रिस्पॉन्स, प्लांट कैसे रिस्पॉन्स करता है उसको एनालाइज करने में निकाला। सो उन्होंने मिमोसा नाम का प्लांट था, ही टुक दैट प्लांट एंड ही डिड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन दैट प्लांट। ही केम टू नो कि कैसे जब मॉर्निंग होती है, सन होता है, तो मिमोसा प्लांट है, उसके लीव्स हैं, वो कैसे खिल जाते हैं, एंड व्हेन सन सेट्स देन ऑल द लीव्स दे ड्रॉप, वो सारे ड्रॉप हो जाते हैं। मतलब उन्होंने बताया कि जो मिमोसा प्लांट है उसमें भी नर्वस सिस्टम है, ओनली ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट हैविंग ऑल दिस थिंग्स, इवन प्लांट्स आर ऑल्सो हैविंग सेम थिंग्स है ना। एंड 162 पेज पे आ जाइए, देन ही ऑल्सो डिटेक्टेड द कॉज ऑफ अदर रिस्पॉन्स इन द प्लांट्स टू एनवायरमेंटल चेंजेस एंड ग्रेविटी है ना। इवन उन्होंने फोटोसिंथेसिस को केयरफुली लिया, जेसी बोस वॉज वेरी गुड, उन्होंने प्लांट रिस्पॉन्स जो उन्होंने बताया था पहले है ना, उसका जो लोगों में काफ़ी मिक्स्ड सी रिएक्शन आई, लोग बहुत खुश भी हुए कि उन्होंने इतने अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमें इतना कुछ बताया है। ही डेवलप्ड द रेजोनेट रिकॉर्डर एंड ऑसिलेटिंग रिकॉर्डर ऑल्सो, एंड रॉयल सोसाइटी में भी उनको फेलोशिप मिले। 163 पेज पे देखिए, उनको काफ़ी सारे नाम भी मिले। द न्यूयॉर्क टाइम्स पब्लिश्ड अ सॉन्ग टू द सेंसिटिव प्लांट, साइंटिफिक अमेरिकन कॉल्ड हिम अलादीन विद हिज वंडरफुल लैम्प है ना। धीरे धीरे बॉस रिटायर्ड, 1913 में बॉस रिटायर्ड हो गए, उन्होंने अपना करियर था है ना उसको बिगेन किया था, नए करियर की तरफ वो जा रहे थे। अब वो चाहते थे कि इंडिया में भी एक इंडियन इंस्टीट्यूट हो ऑन द लाइंस ऑफ द रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंग्लैंड, जैसे इंग्लैंड में वेस्टर्न कंट्रीज में साइंस इतनी ज़्यादा आगे निकल गई है, इंडिया में भी वैसे ही हो। सो 163 पेज पे मैं छोड़ रही हूँ, थैंक यू वेरी मच।